गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 10, आवर नेशनल सिंबल्स। प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 67, एंड लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन ए। क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट सेंटेंस देखिए। वी शुड डैश अवर नेशनल फ्लैग। हमें नेशनल फ्लैग का क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो राइट रिस्पेक्ट हेयर। अवर नेशनल डैश हैज़ फोर लायंस। नेशनल किस चीज में फोर लायंस होते हैं, नेशनल एम्बलम, तो एम्बलम लिखेंगे। अवर नेशनल फ्लावर इज, नेशनल फ्लावर कौन सा है, लोटस, राइट लोटस हेयर। Our national anthem was composed by, national anthem है कौन सा, जनगण मन, right? ये किसने कंपोज किया था, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, okay? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। The national flag is known as, national flag को हम क्या कहते हैं, ट्राइकलर और तिरंगा, तो आप दोनों नाम लिख लीजिए। वंदे मातरम, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है ना, was composed by, किसने भी लिखा था ये, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ओके। नाउ क्वेश्चन बी देखिए, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस, बनियन ट्री इज अवर नेशनल ट्री, इज इट ट्रू, यस इट इज ट्रू, तो टी लिख दीजिए। एप्पल इज नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स, कौन सा फ्रूट है किंग ऑफ फ्रूट्स, इट्स मैंगो ना, तो ये रॉन्ग हो गया, इसलिए हम लिख देंगे फॉल्स। अवर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकलर, ट्राइकलर बोलते हैं नेशनल फ्लैग को, अभी हमने फिलिप्स में भी यही किया, राइट तो ये ट्रू है, ट्रू लिख दीजिए टी। अवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था नेशनल एंथम, नहीं, नेशनल एंथम लिखा था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और बंकिम चंद चटर्जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, तो फॉल्स लिख दीजिए आप। अवर नेशनल एम्बलम शोज थ्री लायंस, यस हमें थ्री लायंस ही दिखते हैं उसमें, फोर्थ लायन पीछे की साइड होता है जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं नजर आता। नाउ टर्न द पेज, पेज 68 पर देखिए। क्वेश्चन सी, मैच द फॉलोइंग, टू कॉलम्स गिवन है एंड फाइव वर्ड गिवन है, इनको मैच करते हैं। साका एरा, साका एरा से क्या लिया गया, नेशनल कैलेंडर, तो इसके सामने वन लिख दीजिए। वंदे मातरम, ये क्या है, नेशनल सॉन्ग है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, इसके सामने टू लिख दीजिए। लोटस नेशनल फ्लावर है जो प्योरिटी और ग्रेस का सिंबल है, तो यहाँ थ्री लिख दीजिए। 15th August 1947, तब हमें क्या मिला था, वी गेंड फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली थी, फोर लिख दीजिए यहाँ पर इसके सामने। एंड अशोका चक्र, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ए के नहीं, ये के ए होगा, ठीक है, ASHOKA, अशोका चक्र। अशोका चक्र में कितनी स्पोक्स होती हैं, 24, तो इसको मैच कर दीजिए एंड फाइव नंबर लिख दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग, ये हम नोटबुक में करेंगे, पहले ये जरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ई, नेम द फॉलोइंग, इन सब के नाम लिखने हैं। नेशनल ट्री कौन सा है, बनियन ट्री, ठीक है, बनियन ट्री। नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल गेम हॉकी, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में, दोनों बिल्कुल अलग है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और एंथम है जनगणमन, ओके। तो आपने यहाँ नेशनल सॉन्ग बताना है, तो आप क्या लिखेंगे, वंदे मातरम। अब क्वेश्चन डी, डिफाइन द फॉलोइंग, और क्वेश्चन एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। हाँ जी, सबसे पहले तो डेट लिख लीजिए राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर क्लास वर्क, सेंटर में लिखे चैप्टर 10, अवर नेशनल सिंबल्स। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन डी, डिफाइन द फॉलोइंग, इसका फर्स्ट पॉइंट करिए, नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम की डेफिनेशन लिखेंगे। अ नेशनल एम्बलम इज एन ऑफिशियल एम्बलम और सील रिजर्व्ड फॉर यूज बाय अ नेशन एज अ सिंबल ऑफ दैट नेशन। नेशनल एम्बलम जो होता है वो
कोई एक ऑफिशियल सिंबल होता है जिसको पूरा का पूरा नेशन यानी देश यूज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज लायन, कैपिटल ऑफ अशोका। जैसे इंडिया का नेशनल एम्बलम कौन सा है, वो चार शेर वाला, लायन कैपिटल ऑफ अशोका बोलते हैं उसको, ठीक है। सेकंड देखिए, नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल फ्रूट द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो है ना हमारा नेशनल फ्रूट, ठीक है। इट इज रिच इन विटामिन ए सी एंड डी, इसमें ये तीनों विटामिन्स होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इट इज अ समर फ्रूट, ये गर्मियों का फल है। एंड वी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ वराइटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया, और हमारे देश में इंडिया में मैंगो की हंड्रेड्स ऑफ वराइटीज मिलती हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। पीपल यूज इट टू मेक चटनी, पिकल, जैम, शेक, जूस एक्सेट्रा, और लोग इसको ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड डेफिनेशन देखिए बेटा, नेशनल ट्री। द नेशनल ट्री ऑफ अ कंट्री इज वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ प्राइड। किसी भी देश के लिए उसका नेशनल ट्री जो होता है गर्व का प्रतीक होता है, प्राइड होता है गर्व। इंडियन फिग ट्री ऑल्सो नोन एज बनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन फिग ट्री जिसको हम बनियन ट्री भी बोलते हैं, वो इंडिया का नेशनल ट्री है। हुज ब्रांचेस रूट देमसेल्व्स लाइक न्यू ट्रीज ओवर अ लार्ज एरिया, जिसकी ब्रांचेस रूट बन जाती हैं, ठीक है। इतनी ब्रांचेस जो होती हैं वो रूट की तरह निकलती हैं और जमीन में रूट बन जाती है और एक नया ट्री निकल आता है। तो ये एक ग्रुप ऑफ ट्रीज का एक सिंगल ट्री होता है और बहुत बड़े एरिया में ये फैल जाता है, ठीक है। आई होप आप सबने देखा ही होगा। नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग के बारे में लिखो। अ नेशनल सॉन्ग इज अ पेट्रियोटिक हाइम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू बी संग ऑन पब्लिक और स्टेट ओकेजन्स। नेशनल सॉन्ग जो होता है बेटे, वो देशभक्ति गीत होता है जिसको किसी भी देश की सरकार आम ओकेजन्स पर, स्टेट के ओकेजन्स पर गाने के लिए चुनते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं। अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम, संस्कृत में लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस टाइम पर जो लोग आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स थी ये, कि उन्हें और ज़्यादा इंस्पायर करते थे कि हाँ हमें और अच्छे से लड़ना है और हमें जीतना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन वन है, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज इन द रेशियो ऑफ 3/2। 3/2 की रेशियो में होता है, यानी जितना ये तीसरा हिस्सा उसका दूसरा हिस्सा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड टाइगर अवर नेशनल एनिमल। टाइगर को ही नेशनल एनिमल क्यों बनाया, बड़ा तो हाथी भी होता है, उसको भी बना सकते थे, है ना, बट टाइगर को ही क्यों बनाया। द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड एनॉर्मस पावर हैज अर्नड द टाइगर इट्स प्राइड ऑफ प्लेस एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। जो टाइगर होता है ना बेटे, उसमें ग्रेस भी है ना, अट्रैक्शन है, ताकत भी है उसमें, बहुत ज़्यादा पावर है, हिम्मत वाला है, इसीलिए उसको ये गर्व अर्न किया उसने, उसे मिला, उसके लिए ये गर्व की बात है, ठीक है, कि वो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी थ्री सर्टेन रूल्स टू शो रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के लिए रिस्पेक्ट शो करने के कुछ रूल्स लिखने, आपने थ्री रूल्स पूछे, उन्होंने थ्री लिखेंगे हम। फर्स्ट देखो, इट शुड ऑलवेज बी होस्टेड इन द मॉर्निंग एंड लोअर डाउन इन द इवनिंग। सुबह के टाइम फहराना चाहिए और शाम को नीचे कर देना चाहिए। सैफरन बैंड शुड बी एट द टॉप।
जो सैफ्रन कलर का बैंड होता है ना वो ऊपर रहना चाहिए और ग्रीन नीचे रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट, नो अदर फ्लैग शुड बी रेज्ड हायर देन अवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग से किसी और दूसरे देश के फ्लैग को ऊंचा नहीं करना है, ठीक है? ये रूल्स हैं नेशनल फ्लैग की इज्जत करने के लिए। कभी पैरों में भी मत लेना बेटा, बहुत इज्जत करनी चाहिए इसकी, ध्यान से रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड वेन द नेशनल एंथम इज बींग संग। जब आप राष्ट्रीय गान गाते हैं जनगणमन, तो किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए? वी मस्ट नो द वर्ड्स टू बी एबल टू सिंग इट करेक्टली। हमें वर्ड्स सही से पता होना चाहिए, हमें उन्हें सही गाना चाहिए। वी मस्ट सिंग इट विद लव एंड रिस्पेक्ट। हमें इसे प्यार से और मान से, सम्मान से गाना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन एंड वी शुड नॉट टॉक। हमें अटेंशन खड़े रहना है, बातें नहीं करनी है, हिलना डुलना नहीं है। इसके अलावा बेटा 52 सेकेंड्स में इसे कंप्लीट भी करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ पीकॉक फैदर्स। पीकॉक के जो पंख होते हैं, मोर के पंख, उनको अलग अलग हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? पीकॉक फैदर्स आर यूज्ड कैसे करते हैं? टू मेक पर्सेस, जैकेट्स एक्सेट्रा, पर्स और जैकेट बनाने के लिए। टू डेकोरेट हाउसेस, कुछ लोग घरों को सजाते भी हैं इससे। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेप्टाइल्स, कीड़े मकोड़ों से, छिपकली वगैरह से ये बचाता है। टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी, इसको रखने से घर में खुशी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ अवर नेशनल फ्रूट। ये हमने नेशनल फ्रूट की डेफिनेशन में कवर कर लिया है, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक डिफाइन नेशनल फ्रूट या फिर व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ अवर नेशनल फ्रूट। दोनों में आंसर सेम रहेगा, मैंगो के बारे में आपने लिखना है। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ आपने इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।